हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, 7:15 का टाइम है। बेटे बहू जा चुके हैं और मेरी पाठ पूजा सब हो गई है। नहा कर पाठ पूजा कर लिया मैंने। अब मैं गर्म पानी करने आई हूँ अपने लिए। बच्चे अभी सो रहे हैं। आपको मालूम है मैं सुबह सुबह किचन को एक बार साफ करती हूँ। मैं उसको साफ कर देती हूँ रात के मतलब थोड़ी मिट्टी सी भी आती है तो थोड़ी कुछ काम छूट भी जाता है तो फिर मैं स्टैंड कर देती हूँ। तो गर्म पानी ले रही हूँ तो नहाने के बाद इतनी ठंड नहीं लगती। मैं बाद में कोई स्वेटर वगैरह पहनती हूँ। स्वेटर मेरे बड़े चुभते हैं। पतली शॉल ओढ़ लेती हूँ या कोई पतला सा स्वेटर है ना वो पहनती तो पहनूंगी। एक बार नहा ली तो ठंड नहीं लग रही है। गर्म पानी दिन में 3 बार लेना चाहिए या फिर आप कोई, मुझे प्राची की सास ने बताया था, एक चूर्ण बताया था वो बनाऊंगी। तो उन्होंने कई चीजें मिला के बनाया था, डायबिटीज वालों के लिए बनाया था। तो आप में से किसी ने पूछा था कि जो प्राची की सास जी हैं उनकी टिप्स बताना, तो बताऊंगी मैं डायबिटीज के टिप्स। उन्होंने कई बताए थे कि उनको भी है तो उन्होंने तो कंट्रोल कर ली थी, कंट्रोल कर ली है उन्होंने अपनी डायबिटीज। तो एक तो क्या बता रहे थे, अलसी के बीज होते हैं ना वो, एक दाना मेथी, अजवाइन और एक दो चीजें उन्होंने और बताई थी कि उसका चूर्ण बना लें और सुबह ले लें, फक्की ले लें या तो मैं तो गर्म पानी लेती हूँ तो उससे भी ले सकती हूँ, तो वो ले लें तो बिल्कुल पेट भी साफ हो जाता है और डायबिटीज भी कंट्रोल रहती है। और भी उन्होंने बताया था कि ये जो मतलब 5 अनाज होते हैं मिले उसकी रोटियां बताई थी उन्होंने, बेजड़ काटा बोलते हैं जिसको, तो वो रोटी खानी चाहिए डायबिटीज में। तो वो भी मैं सोची, वहां तो प्राची ले आई थी आटा, वहां तो मिलता था, यहाँ पे देखती हूँ मिलता है या नहीं। तो वहां पे तो प्राची मेरे को वही रोटी बना के देती थी। अब यहाँ पे मैं करूंगी अपनी डाइट को मेंटेन करूंगी, जो डायबिटीज के लिए जो डाइट होती है उसको मेंटेन करूंगी। हालांकि प्राची ने काफी कुछ मेंटेन कर दी थी वहां पे, मुझे वो कोई भी ऐसी चीज नहीं देती थी। अभी मैं यहाँ के चावल भी खा लिए मैंने, चाय भी मीठी बना दी। बहू को पता नहीं था कि मैं फीकी पीने लगी हूँ तो मीठी बन गई थी चाय, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बन गई तो मैंने पी ली थी। तो उधर तो प्राची मेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी, फीकी चाय देती, कुछ भी मीठी चीज नहीं देती थी क्योंकि डायबिटीज ज्यादा हो गई थी वहां पे मेरी। तो वो बहुत ध्यान रखती थी। अभी वो यहाँ पे कह रही थी कि मम्मी आप तो चावल और यहाँ खा रहे हो, आप पूरा मेंटेन करके आए हो, आप फिर यहाँ पे वापस बढ़ा लोगे। तो आज से मेरा शुरू ही है कि मैं नहीं खाऊंगी ऐसी चीजें जो डायबिटीज को बढ़ाती है। अभी तो मैं गर्म पानी ले रही हूँ और आज मैं देखो चूर्ण बनाऊंगी तो आपसे जरूर शेयर करूंगी। अब बनेगी चाय क्योंकि सब बच्चे उठ गए हैं, तो अब बनाऊंगी मैं चाय। Thank you.
निबड़ चुका है, चाय वाय बन चुकी है और चाय के साथ टोस्ट खा लिए थे बच्चों ने सबने। अब मैं बना रही हूँ उनके लिए ये पास्ता। हालांकि मुझे बनाना नहीं आता है पर मैं बना रही हूँ पास्ता। एक बार इसको उबाल लिया है तेल डाल के, पानी में तेल डाल के, जिससे ये चिपके नहीं। और उसके बाद जैसे अपन टमाटर वगैरह डालते हैं, हरी मिर्च टमाटर, उसमें फिर छौंक दूंगी। तो मेरे बन रहे पास्ते उबल रहे हैं, इतनी देर में मैं चाय के बर्तन साफ करूंगी। देखिए चाय के बर्तन हो गए सारे, ये साफ करूंगी। सबसे ज्यादा सुबह काम होता है, शाम को काम बहुत कम होता है, सुबह सबसे ज्यादा काम होता है। चाय के बर्तन होते हैं, नाश्ता होता है, फिर खाने की तैयारी होती है। तो जो सुबह काम होता है वो सबसे ज्यादा होता है एक गृहिणी के लिए। तो ये पास्ते हो चुके हैं और इनका पानी निकाल दी है। तो ये टमाटर काट लूंगी मैं दो और हरी मिर्च काट लूंगी। टमाटर हरी मिर्च मैंने काट ली है और इसको मैं भून लूंगी। घी डाल दिया, कुछ घी कढ़ाई में डाल दिया। टमाटर बन जाएंगे जब इसमें मसाले डाल दूं। हल्दी डाल दूं, ये धनिया वगैरह सब डाल दूंगी मसालों में, नमक डाल दूं और पास्ते डाल दूं। नाश्ता बन चुका है और अब खाने की तैयारी कर रहे हैं। सब्जी लेने गए हैं मास्टर जी, देखो क्या सब्जी लाते हैं। बैंगन का भुट्टा बन चुका है। तो मेरा सारा काम हो गया है, किचन साफ कर दिया मैंने, दो सब्जी बना दी, रोटी बना दी, एमी का खाना बना दिया, तो कुल मिला के 9 जनों का खाना हो गया। सुबह नाश्ता बना दिया और अपनी सफाई वफाई कर ली। अब इससे ज्यादा काम मुझसे होता नहीं, मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मुझे चक्कर आ रहे हैं वापस।
मैं लेट गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आज मुझे अपनी ताई जी के यहाँ भी जाना है, तो वहां जा 2 दिन हो गए मैं जा नहीं पाई।